हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बर्डिंग मॉम्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कॉटन नैपीस एंड कॉटन डाइपर्स के बारे में बताने जा रही हूँ। इन नैपीस को मैंने अपनी बेबी के ऊपर 8-9 महीने यूज़ किया है, उसके बाद ही मैं आज इस वीडियो में इसका रिव्यू दूंगी। ये नैपीस नॉर्मल डाइपर से कैसे अलग हैं जो कि हम हगीज़ या बेबी हग ब्रांड के यूज़ करते हैं, और हमारे दिन में एवरेज 6 डाइपर तो बच्चे के ऊपर लग ही जाते हैं, जो कि मंथली हमें अगर हम उसका देखें कॉस्ट वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो कॉटन नैपीज या कॉटन डाइपर्स होते हैं। और इसको कैसे यूज़ करना है और इसके क्या बेनिफिट हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, वो इस वीडियो में मैं कवर करूँगी। फ्रेंड्स, जो नॉर्मल डाइपर होते हैं, अगर हम बच्चे को पूरे दिन भर पहना के रखते हैं तो कभी कभी बच्चे को रैशेस हो जाते हैं, और दूसरा हमें ऐसा लगता है कि शायद बच्चे को एयरी ना फील हो रहा हो, स्पेशली समर्स में। तो जैसे कि घर पे बड़े राय देते हैं कि आपको कॉटन नैपीज यूज़ करना चाहिए, या घर पे पहले ज़माने में मम्मी लोग खुद बनाया करते थे कॉटन नैपीज, तो आजकल मार्केट में ये रेडीली अवेलेबल है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाती हूँ अभी कि कॉटन नैपीज कैसे आते हैं। ये इस तरह के कॉटन नैपीज आते हैं बच्चे के लिए, आप इस तरह से इसको बांध सकते हैं, तो बड़े ऐसे करके। ये नैपी जो है ये 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए है, इससे भी छोटा आता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, वो भी मैंने अपनी बेबी के लिए यूज़ किया था, अभी मैंने उसको संभाल के रख दिया है, और करेंटली अभी मैं इससे बड़ा साइज़ यूज़ कर रही हूँ अपनी बेबी के लिए, आप देख सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किया था, और इसमें 5 का पैक आता है जो कि आपको 300 के करीब पड़ेगा 5 पैक। ये मैं आपको 6 से 9 महीने के बच्चे के साइज़ के हिसाब से बता रही हूँ, शायद साइज़ के हिसाब से प्राइस थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ये कॉटन नैपीज बहुत ही अच्छे रहते हैं, स्पेशली ये कपड़ा बहुत अच्छा है, मुस्लिन कॉटन क्लोथ है ये, तो 1 से 2 बच्चे की पी ये ऑब्जर्व कर लेता है, और उसके बाद आपको चेंज करना होता है। बट ये एयरी है, तो समर्स में आप घर में बच्चे को इसको पहनाएं, और रात को आप नॉर्मल डाइपर पहनाएं या फिर जो कॉटन डाइपर्स आते हैं वो पहनाएं, पर दिन में अगर बच्चे को आप घर पे ही रख रहे हैं और कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं तो बेस्ट है कि इस तरह के कॉटन डाइपर आप बच्चे को पहनाएं। अच्छी बात ये है, जैसा कि मैंने कहा, ये एटलीस्ट 2 पी तो ऑब्जर्व कर लेगा, बट जब बच्चा पू करता है, और ये उतना हम बिकॉज जब हम बच्चे को इसको पहनाएंगे तो हम उतना टाइट इसको टाई नहीं करते हैं ताकि बच्चे को डिस्कम्फर्ट फील ना हो, तो कभी कभी बच्चे का पू इसमें साइड से लीक हो जाता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट ये है कि ये वॉशेबल है, आप 5 का सेट आता है, आप 2 सेट मंगा लें, तो जब भी बच्चा पी या पू करे तब आप इसको चेंज कर लें। तो ये कॉटन नैपी पर्सनली बहुत अच्छा लगा, तो आप ये कॉटन डाइपर एक बार तो एटलीस्ट ज़रूर ट्राई करें। और अब बात करते हैं नेक्स्ट डाइपर की, जो कि कॉटन डाइपर्स हैं। यहाँ पे 2 ब्रांड के डाइपर्स हैं, एक ये माइलो ब्रांड का लिया मैंने, और दूसरा इस तरह का एक सुपर बॉटम ब्रांड का मैंने डाइपर लिया है। मैं दिखाती हूँ आपको, वीडियो में दोनों डाइपर्स के बारे में दिखाऊंगी, जस्ट मैं आपको अभी बता दूँ कि ये इस तरह के डाइपर्स आते हैं, और इनमें दोनों ही ब्रांड में जो डाइपर्स आते हैं इसमें इस तरह से बटन्स लगे हैं, तो जो बच्चे की वेस्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये वाले डाइपर्स भी रीयूजेबल डाइपर्स हैं, कॉटन के हैं, बहुत ही सॉफ्ट क्लोथ के हैं, इसके अंदर अलग से एक्स्ट्रा पैड दिया रहता है जो कि बच्चे की पी और पू को ऑब्जर्व कर ले। तो ये वाले जो डाइपर्स हैं ये भी बहुत अच्छे हैं। ये डाइपर्स में बस मुझे एक ही प्रॉब्लम लगता है, और वो है कि इट लुक्स सो बल्की, ये बहुत ज़्यादा बल्की लगते हैं डाइपर। और दूसरा, जब आप बच्चे को इसको पहनाते हैं, आप घर पे पहनाएं तो सही है, अगर आप रात को भी पहना रहे हैं तो भी सही है, बट अगर आप बाहर बच्चे को कहीं लेके जा रहे हैं और उस टाइम पे आप इस डाइपर के ऊपर बच्चे को क्लोथ पहनाना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बल्की डाइपर है, तो उस टाइम आप नॉर्मल डाइपर्स का यूज़ करें। और दूसरी बात, इस डाइपर्स का जो कॉस्ट पड़ता है, ये जो माइलो ब्रांड का है ये 2 सेट्स में मैंने लिया था, 2 पैक वाला सेट लिया था,
तो मुझे अराउंड 450 ईच यानी 900 का पड़ा था, और जो सुपर बॉटम ब्रांड का मैंने लिया था वो एक डायपर मुझे आई थिंक 650 या 700 का पड़ा था। तो दोनों ब्रांड्स के डायपर को आगे वीडियो में देखते हैं। और जहाँ तक रही इसकी ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी की बात, तो ये आराम से 4 बच्चे की ऑब्जर्व कर लेता है। तो रात को मैं ये वाले डाइपर्स यूज़ करती हूँ और जो नॉर्मल डाइपर्स आते हैं वो वाले, और दिन में मैं इस तरह की कॉटन नैपीज यूज़ करती हूँ इन नैपीज के साथ। बट एक ही प्रॉब्लम है, जैसा मैंने कहा ये मैक्स 2 ऑब्जर्व करेगा, अदरवाइज कभी कभी 1। तो आप इस तरह के 2 मंगा लें ताकि आपके पास 10 कॉटन नैपीज रेडिली अवेलेबल रहें। और अगर बच्चा दिन में 6-7 पी पू करता है तो आप इसको चेंज कर लें। और अच्छी बात ये है कि अगर आप एक बार ले लेते हैं इनको तो 3-4 ये आराम से चल जाते हैं, वॉशेबल हैं। इसको मैंने बहुत बार यूज़ किया है, ना इसका अभी तक कलर गया है, और ये अभी तक वैसा ही है जैसा मैंने फर्स्ट डे लिया था। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये मैंने फर्स्ट क्राई से लिया था, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और जो ये वाले डायपर्स हैं, ये डायपर्स भी अच्छे हैं, बट ये उतनी जल्दी सूखते नहीं हैं जितनी जल्दी ये कॉटन नैपीस आराम से सूख जाती हैं। और ये जो डायपर्स हैं इसमें आपको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद लेते वक्त कुछ ऐसा था कि 3 महीने के बच्चे से लेके 3 के बच्चे तक शायद सेम ही डायपर्स यूज़ होता है। और आप बच्चे की वेस्ट को यहाँ पे जो ये हुक दिए हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट अभी मेरी बेबी 9 की है तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि शायद 1-2 तक यूज़ कर पाऊँगी, बिकॉज ये जो थाई वाला एरिया होता है वहाँ से मुझे लगता है कि फिर ये टाइट होने लगेगा। अभी उसको ओके है। तो चलिए वीडियो में मैं आपको आगे सुपर बॉटम और माइलो दोनों ब्रांड के इन कॉटन डायपर्स को दिखाती हूँ। तो ये है सुपर बॉटम्स ब्रांड का, तो ये इस तरह की पैकिंग में आता है। और अब हम इसमें से कॉटन डायपर बाहर निकालेंगे। तो बड़े ही कलरफुल डायपर आते हैं इनके, तो अंदर इस तरीके से इसमें पैड्स आता है, कॉटन पैड्स। और ये वाला जो है ये बूस्टर पैड है, यानी कि जब रात को आप बच्चे को ये डायपर पहना के सुला रहे हैं तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बूस्टर पैड दिया हुआ है। अब जो ये स्नैप बटन है इनको आप बॉटम वाले स्नैप बटन के साथ अटैच कर दें और इसको इस तरह से प्लेस करें। और अब हम फ्रंट से इसको फोल्ड करेंगे और बच्चे की वेस्ट के हिसाब से आप स्नैप बटन को फिक्स कर दें। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेबी को ये पहना दिया है ये फ्रंट से और ये बैक से। तो आप देख सकते हैं कि ये देखने में थोड़ा सा बल्की लगता है बट घर पे आप पहना सकते हैं। तो इसका जो कपड़ा है अंदर का वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो इससे बच्चे को रैशेस के इशू नहीं होते हैं। और नेक्स्ट ब्रांड है यहाँ पे माइलो, इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। और इसका डायपर हम निकालेंगे और इसमें भी अंदर इस तरह का एक कॉटन पैड आता है। तो इसका भी जो 2 स्नैप बटन है आपको इसके साथ फिक्स करना है। और इस तरीके से आप इसको रख के आगे से फोल्ड कर दें। और या फिर आप इसको इस तरीके से इंसर्ट करें और अब फोल्ड कर दें और बच्चे की वेस्ट के हिसाब से आप स्नैप बटन को अटैच कर दें। तो ये इसके फ्रंट से ही बैक से। आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा कॉटन नैपीज और कॉटन डायपर्स के बारे में। तो वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को 1 ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप मदर और बेबी से रिलेटेड इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।